तुअर दाल अखरा है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की है ये। तो इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है दोस्तों, सबसे ज़्यादा यही बिकती है हमारी तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यकीन है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दुकान बलावड़ी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहर दाल, चना दाल, मसूर दाल, मूंग दाल और भी जितने तरह के दाल होते हैं दोस्तों, उन सभी के होलसेल रेट और रिटेल में होने वाले मार्जिन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज जानेंगे इसकी ताज़ी रेट क्या है दोस्तों, क्योंकि दाल के रेटों में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ चुकी है, खासकर राहर दाल की रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। तो इसीलिए मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ दोस्तों, तो आपको रूबरू करवा दूँ और जानकारी दे दूँ, और साथ ही ये बता दूँ कि किराना स्टोर में कोई भी ताज़ी मतलब कि करेंट आइटम का बहुत रेट फिक्स नहीं है दोस्तों, लूज़ आइटम का कभी भी चेंज हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। और तो हाँ दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ क्योंकि आने वाले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगा आपके पास। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले राहर दाल के बारे में, जो कि एकदम स्पेशल VIP क्वालिटी का राहर दाल है हमारे पास दोस्तों। ये सबसे महंगी दाल है राहर दाल में। देखिए दोस्तों, सुपर डुपर गोल्ड दाल है दोस्तों, 30 किलो की बैग आती है, यानी कि इसकी पूरी बैग की रेट आपको 4050 रुपये देखने को मिलती है दोस्तों। 135 रुपये किलो पड़ता है और 30 किलो का इसमें वज़न रहता है एक बैग में दोस्तों। इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। एक क्वालिटी और आता है, ये दोस्तों अखरा जिसे बोलते हैं, वो है तुअर दाल अखरा है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की है ये। तो इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है दोस्तों, सबसे ज़्यादा यही बिकती है हमारी तरफ। तो इसमें दोस्तों, अगर कोई दाल दिन में 10 किलो बिकता है तो ये आपका 30 किलो आराम से बिक जाता है। हम लोग का सेल एक दिन में एक बोरी बिक जाती है आराम से। तो 135 की खरीद पड़ी है, 4050 का बोरा है दोस्तों, 145 का बेचते हैं हम लोग लूज़ में, यानी कि 10 रुपये के प्रॉफिट मार्जिन है किलो पे। आप समझ सकते हो, जो 300 रुपया प्रति एक दिन आपका प्रॉफिट मार्जिन बन जाता है राहर दाल बेच के सिर्फ, क्योंकि हम लोग क्वालिटी बेहतर देते हैं और रेट भी बहुत ही कम रखते हैं दोस्तों। तो उस एडिशनल खर्चा भी तो निकाला जाता है दोस्तों। 135 रुपये हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, उसके बाद दोस्तों आप ट्रांसपोर्टेशन फ़ी हो गया, लेबर चार्ज हो गया दोस्तों, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, उसके बाद दोस्तों पन्नी यूज होता है उसमें, तो पन्नी का भी कॉस्ट जोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए इतना 10 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, इतना ले सकते हो आप। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्वालिटी नंबर दो राहर दाल का, ये देख सकते हैं आप, देखिए ये पॉलिश्ड है दोस्तों, ये आपका सस्ता वाला है। इसका आपको 115 रुपये खरीद पड़ती है, यानी कि 3450 की एक बैग मिलती है दोस्तों 30 किलो की, और 125 रुपये ये बिकता है, यानी कि 10 रुपये इसमें भी प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन वो भर दिन में अगर दो बोरा बिकेगा तो ये आधा बोरा बिकेगा, इसमें ये कंडीशन। तो दोस्तों इसका प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों 10 रुपये के हिसाब से 300 बनता है, जो कि उसमें भी बनता था, लेकिन डिपेंड करता है सेल दोस्तों, सेल ज़्यादा उसकी है कम है इसका, तो इसीलिए उस हिसाब से हम लोग रखते हैं माल। उसके बाद दोस्तों खेसारी दाल है, देखिए अगर आप देख सकते हो, देखिए खेसारी दाल है ये, जो कि हमारे तरफ बहुत ही ज़्यादा बिकती है, खासकर होटल वगैरह ढाबा वाबा में कचरी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। कचरी बनता है बेसिकली खेसारी दाल से और हरा मिर्ची प्लस प्याज को मिला के बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा स्वाद मिलता है दोस्तों। तो खेसारी दाल की अगर बात की जाए तो 4400 का कुंटल है, 30 किलो का इसमें बैग आता है दोस्तों, ये बैग है पीला वाला, अनब्रांडेड है, तो 1320 का एक बैग पड़ता है आपका, 55 रुपये बिकता है ये, 44 का खरीद पड़ा है, 11 रुपये की प्रॉफिट मार्जिन है प्रत्येक किलो पे, यानी कि 330 रुपये की बचत है एक बैग बेचने पे। तो दोस्तों उसके बाद चना दाल की बात की जाएगी, जो कि इस साइड रखी हुई है, मैं दिखा दूँ आपको, देखिए यहाँ रखी हुई है, देखो दोस्तों, देखिए चना दाल यहाँ पर रखी हुई है हमारी, एकदम बेस्ट क्वालिटी है दोस्तों। तो बात की जाए इसकी होलसेल प्राइस के बारे में, तो आपका 1793 रुपया खरीद पड़ता है एक बैग का, यानी कि 59.75 रुपये, और 30 किलो का ये बैग रहता है, यानी कि 70 रुपये बिकता है, तो 10.25 रुपये का एक किलो पे आपका बचत है, और 30 किलो का ये बैग रहता है तो 307 रुपये पूरी बोरी बेचने में आपको बचत होगी। उसके बाद मसूर दाल के पास आ जाइए, जो कि अच्छा खासा बिकता है हमारे तब दोस्तों। राहर दाल के बाद चना दाल का बिक्री है,
उसके बाद खेसारी दाल, उसके बाद यहाँ पे मसूर दाल। तो मसूर दाल की बात की जाए दोस्तों अगर, तो ये 6800 का कुंटल है, यानी कि 2040 का एक बोरा पड़ता है 30 किलो में। तो दोस्तों आपको दिखा दें कि कितना बेस्ट क्वालिटी है, मीडियम साइज़ है, देखिए देख लिया आपने। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये 68 का ख़रीद पड़ा है और हम लोग 75 का बेचते हैं, तो 7 रुपये की प्रॉफिट मार्जिन लेके मात्र बेचते हैं इसको। तो 30 किलो का बैग है दोस्तों, तो 210 रुपये की बचत होती है इस पर। उसके बाद दोस्तों मूंग दाल की बात की रहे अगर, मूंग दाल की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मूंग दाल, ये रहा मूंग दाल जो कि बारीक है, थोड़ा स्मॉल साइज में है, देखिए। तो मूंग दाल अगर बात की जाए तो दोस्तों ये भी 30 किलो की बैग आती है, ऑफ कोर्स 30 किलो की बैग आती है, 9500 का एक ख़रीद पड़ता है, यानी कि 2850 का ख़रीद पड़ता है एक बैग इसका, 105 का बिकता है दोस्तों, 95 का ख़रीद पड़ता है, यानी कि 10 रुपये की प्रॉफिट मार्जिन इस पर भी लेते हैं हम लोग, तो 300 रुपये की बचत हो जाती है आसानी से। उसके बाद दोस्तों उड़द दाल है दोस्तों, उड़द दाल ये धुली हुई है, मतलब कि ये पॉलिश्ड, मतलब छिलका उधरा हुआ है इसका दोस्तों। ये रही आपकी गोटा उड़द दाल, जो कि गोटा उड़द दाल है, ये धुली हुई है, उड़ी धोई जिसे बोलते हैं। तो सरप्राइजिंग वाली बात यह है दोस्तों कि दोनों की रेट सेम है, बिक्री भी दोस्तों सेम है, 100 रुपये दोनों खरीद पड़ता है दोस्तों दोनों का, अब बिकता 110 का है, यानी कि इस पर भी 10 रुपये की प्रॉफिट मार्जिन, 300 रुपये बोरी भी बचत है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए मटर दाल, जो कि बहुत ही रेयर चीज़ है दोस्तों दाल वाली आइटम में, हर एक सीज़न में नहीं बिकती है, इसका सीज़न आता है दोस्तों जब अदौरी बनता है ना इसका, तब इसका बिक्री होता है, इसी माह में इसका बिक्री होता है, इसीलिए हम लोग लाए हुए हैं, उसके बाद नहीं बिकेगा ये मटर दाल, इसीलिए इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखना पड़ता है। 5500 का ख़रीद पड़ता है, 1650 का बोरा मिला था हमको, 75 का बेचते हैं दोस्तों, यानी कि 20 रुपये की प्रॉफिट मार्जिन लेके इसको बेचा जाता है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दाल वाली आइटम में इसी पे है हमारी तरफ, आपके तरफ कुछ और वैरी कर सकता है दोस्तों, 600 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों, क्योंकि ये रेयर चीज़ है दोस्तों, हर एक दिन नहीं बिकता है, कभी कभार बिकता है, सीजनली बिकता है, इसीलिए। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, बहुत ही मदद की होगी आपको, अगर ज़रा से भी आपको मदद मिली होगी इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें दुकान वाला के साथ और भी ऐसे ऐसे नए वीडियोज़ देखने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, अलविदा, फिर मिलेंगे।